एक दिन हलीमा उठी, उसने देखा बकरियां चरने ही नहीं गई। हलीमा की बेटी थी जिसका नाम था शीमा, जवान उम्र थी, 16-18 साल की उम्र थी। उसने कहा, शीमा तुम आज बकरियों को ही नहीं लेकर गई, देखो इतना सूरज चढ़ आया। शीमा ने कहा, अम्मा बकरियां ज्यादा हैं, मैं अकेली हूं, बकरियों के पीछे भाग भाग के मैं थक जाती हूं, मुझे हेल्प चाहिए। बेटी मैं तुम्हारी मां बूढ़ी हूं, बाप बूढ़ा है, हम तो बकरियों के पीछे नहीं भाग सकते, ये काम तो तुम्हें ही करना होगा। तो शीमा ने कहा कि अम्मा मुझे हेल्प चाहिए। बेटी कैसी हेल्प? अम्मा मेरे साथ ये जो छोटा भाई है ना मोहम्मद, इसको भेज दीजिए। उसने कहा, बेटी दूध पीता बच्चा है, उसको तो उठाना पड़ता है, ये बेबी ले जाओगी तो कैसे? अम्मा इसको साथ भेजेंगी तो चराने चली जाऊंगी, नहीं भेजेंगी तो मुझसे नहीं चराई जाती बकरियां। तो मां ने पूछा कि बेटी मकसद क्या है, तुम बात खुल के बताओ। तो शीमा ने कहा, अम्मी मैं एक दफा अपने भाई को लेकर बकरियों के साथ चली गई थी, मैंने उस दिन तीन बातें देखी थी। बेटी क्या बातें देखी थी? अम्मी पहली बात देखी थी कि एक राहिब गुजरा था, उसने इस बच्चे को देखा था तो बहुत प्यार किया और कहता था कि ये बच्चा बड़ा बनेगा। मुझे अच्छा लगा कि मेरे भाई के बारे में किसी ने ऐसी बातें कही। और दूसरी सिफत मैंने ये देखी कि अम्मा मैं जब भाई को लेकर गई तो उस दिन जहां मैं जाती थी एक बादल सर पे रहता था, मुझे धूप आई ही नहीं, मैं बादल के साए में रही। और अम्मा तीसरी चीज मैंने और अजीब देखी। बेटा वो क्या देखी? कि अम्मा मैं गई तो बकरियां चरने लग गईं और मैं भाई को गोद में लेके एक जगह पर बैठ गई, मेरी बकरियां इधर उधर नहीं भागी, करीब करीब चरती रहीं, और चरने के बाद जहां मैं बैठी थी ये बकरियां सारी मेरे सामने आकर बैठ गईं। अम्मा मैं भी भाई को देखती रही, मेरी बकरियां भी भाई का चेहरा देखती रही। अल्लाह अकबर कबीरा। ये वो हुस्न बेमिसाल था। इंसान तो क्या कुर्बान होने, जानवर भी कुर्बान थे, बकरियां भी देखती थी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को। अल्लाह अकबर कबीरा। चुनाचे बहन जब अपने भाई को ले जाती लोरी पढ़ा करती थी। अरबी किताबों में वो पूरी लोरी बताई गई है, जैसे आजकल कई माएं अपने बच्चे को सुलाने लगती हैं तो हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह, इस तरह के अल्फाज पढ़ती हैं। तो वो शीमा उस वक्त पढ़ा करती थी, रब्बना अबकिलना मुहम्मदा, ए अल्लाह मारे भाई मोहम्मद को सलामत रखना, बाकी रखना। तो ये अल्फाज कहा करती थी। और एक वक्त आया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल फरमाया। उस वक्त उम्र 40 साल थी, नबी अलैहिस्सलाम ने नबूवत का इजहार फरमाया। अल्लाह के हबीब उससे पहले भी नबी थे मगर इजहार 40 साल की उम्र में फरमाया। चुनाचे फिर इम्तहान आने शुरू हो गए। फिर एक वक्त आया कि नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना तैयबा की तरफ हिजरत फरमाई। फिर एक वक्त आया कि जब आप फातिह मक्का बनकर वापस तशरीफ लाए। फिर फातिह मक्का के बाद हुनैन का मैदान था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को बहुत माले गनीमत अता किया, बहुत ज्यादा। 6000 कैदी थे, 12000 बकरियां थी। अब उन कैदियों में नबी अलैहिस्सलाम की जो रिजाई बहन थी ना शीमा, वो भी कैद होकर आई थी। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए, एक सहाबी आए, जी एक औरत है वो कहती है मैं तुम्हारे साहिब की बहन हूं। नबी साहब ने फरमाया कि मैं तो अपने बाप का एक बेटा अब्दुल्ला का हूं, मेरी तो कोई बहन नहीं थी। जी वो कहती है मैं बहन हूं। तो नबी साहब भी हैरान हुए, वो मुझे कैसे कहती है कि मेरी बहन है? तो उसको फरमाया कि उसको लेके आओ। चुनाचे शीमा आई, उस वक्त उम्र बड़ी हो चुकी थी उसकी, आई और उसने आके कहा कि मैं हलीमा की बेटी आपकी रिजाई बहन हूं
اور اس نے پھر واقعہ یاد دلایا کہ جب آپ کی عمر اتنی تھی اس وقت دیکھو یہ ایسے ہوا تھا اور اس کے نشان ابھی بھی ہیں. تو نبی علیہ السلام نشان دیکھے آپ کو بھی یاد آ گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھے, آپ نے اپنی چادر بچھائی اور بہن کو کہا کہ اب تم میری چادر کے اوپر بیٹھا. کائنات کو پیغام دے دیا کہ دیکھو بھائی اپنے بہنوں کی اس طرح عزتیں کیا کرتے ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے ان کو آپشن دی, فرمایا میرے پاس رہو گی ساری زندگی آپ کی کفالت میں کروں گا. اس نے کہا کہ نہیں میں واپس جانا چاہتی ہوں اپنے خاندان میں. فرمایا کہ اچھا تمہیں جانے کی اجازت ہے. نبی علیہ السلام نے ان کو جانور بھی دیے اور بھی تحفے دیے. اس نے کہا کہ میں تو واپس جا رہی ہوں, میرے قبیلے کے لوگ کہیں گے کہ خود آ گئی اور ہمیں قیدی چھوڑ کے آئی. بہن کی اس بات پر نبی علیہ السلام نے قبیلے کے سب قیدیوں کو رہا فرمایا. بھائی اپنی بہنوں کی یوں عزتیں رکھا کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ جب آپ نے رہا فرمایا شیما بڑی خوش ہو گئی. اس وقت شیما نے کہا کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو لوری دیتے ہوئے میں کیا دعا پڑھتی تھی؟ آپ نے فرمایا بتاؤ. کہنے لگی میں کہا کرتی تھی ربنا ابقلنا محمدا, اے اللہ محمد کو ہمارے لیے سلامت رکھنا. بھائی میں نہیں جانتی تھی کہ تجھے اللہ وہ عزتیں دیں گے کہ آج میں بھی گرفتار ہو کر تمہارے سامنے پیش ہو رہا ہوں.